टूना, अरे ओ टूना। क्या सौभाग्य है मेरा जो आप यहाँ पधारे। क्या बात है राजा जी? सुनो टूना, तुम्हें एक हफ्ते के भीतर 100 मटके बनाने होंगे। बस 7 दिन के अंदर 100 मटके बनाने होंगे। हाँ, वो बात ये है कि मेरी माँ की इच्छा है कि वो गरीब चिड़ियों में मटके बांटे, जिससे वो अपना घर बना सके। और वो मटके बांटने का मुहूर्त ठीक 1 हफ्ते का बाद का है, तो समय से काम हो पाएगा ना टूना? हाँ हाँ, बन जाएगा राजा जी। मैं पूरी कोशिश करूँगा राजा जी, बिल्कुल बन जाएगी। मुझे पता था तुम कर लोगे, क्योंकि तुम्हारा काम जितना अच्छा है और करता भी उतना जल्दी से है। ये लो कुछ पैसे रख लो, ठीक 7 दिन के बाद मैं खुद आकर वो घड़ी ले जाऊंगा, ठीक है? ठीक है राजा जी, ठीक है। राजा जी को टूना पे बहुत भरोसा है ना? ठीक है, भरोसे को कैसे तोड़ा जाता है, वो भी मुझे अच्छी तरह से आता है। 7 दिन में 100 मटके बनाने हैं, फिर तो आज से ही शुरू करना पड़ेगा। जाता हूँ मिट्टी लेकर आता हूँ। सुनिए, सूरज सर पर चढ़ाया है, देखिए तो आप खाना कब खाएंगे? बस आ ही रहा हूँ टूनी, वो राजा जी को 1 हफ्ते में 100 मटके चाहिए ना, इसीलिए थोड़ा हड़बड़ी कर रहा हूँ। बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ टूनी। अरे वाह, एक ही दिन में इतने सारे मटके बना दिए आपने। हाँ हाँ टूनी, दिन रात एक करके काम करता हूँ। 1-2 दिन में कच्चे मिट्टी के मटके बन जाएंगे, फिर सूखने में और आग में पकाने में फिर 1-2 दिन लग जाएंगे। तो फिर जल्दी से काम खत्म करके अंदर आ जाइए, मैंने खाना बना लिया है। हाँ हाँ चलो, मैं हाथ धोकर आता हूँ। अरे बाप रे, एक ही दिन में इतने सारे बना लिए इसने, इसका मतलब ये तो पूरे 100 मटके बना ही डालेगा। ठीक है टूना, तो दिन रात एक करके काम कर, बाकी के सारे काम मैं पूरा करूँगा। राजा जी के सामने ऐसी बेइज्जती होगी कि मुँह छिपाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। फिर कालू हरी तोता के यहाँ चला जाता है। क्या बात है हरी, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना रहे हो? आज मैं बना रहा हूँ मछली की सब्जी। अरे कभी सभी चिड़ियों को अपने हाथ का खाना खिलाओ, सच कहूँ तो उस दिन तुम्हारे खाना खाकर मैं और मेरी पत्नी बहुत खुश हो गए, वाकई में बड़ा स्वादिष्ट था। असल में मैं हलवाई हूँ ना, और बहुत दिनों तक राजा जी के रसोई में काम करने के बाद अपने घर आया हूँ, बस इसीलिए कभी कभी 1-2 चिड़ियों को बुलाकर खिलाने का मन होता है। तो मैं कह रहा था कि एक दिन टूना टूनी को भी खाना बनाकर खिला सकते हो ना? टूना को? हाँ, मैं तुम्हारे खाने के बारे में उसे बता रहा था तो थोड़ा उदास हो गया था। ठीक है, मैं कल ही उसे खाने का न्योता देता हूँ, ठीक रहेगा ना? वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, बस ये जो बात मैंने तुमसे कही है उसे मत बताना, ठीक है? ना ना, मैं पागल थोड़ी ना हूँ, ना ना नहीं बताऊँगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। क्या बात है टूना, कैसे हो, अच्छे हो ना? हाँ हरी भाई, अच्छा हूँ। इतने सारे मटके क्यों, किसी ने बनाने को कहा है? हाँ, वो राजा जी ने कहा है। हाँ बहुत अच्छा है, मैं वो कह रहा था कि आज रात को मेरे घर में तुम लोग का न्योता है। तुम्हें तो पता है कि मैं कभी कभी अपने दोस्तों को अपने हाथों से खाना खिलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा शौक है। ठीक है, हम आ जाएंगे। रात होते ही टूना और टूनी हरी तोता यहाँ जाते हैं, और इधर कालू डंडा लेकर टूना के घर पहुँच जाता है। हरी के यहाँ से खाना खाकर आने में उन्हें अभी देर होगी, तब तक मैं अपना काम कर लेता हूँ। अब देखता हूँ बचे हुए कुछ दिनों में तो 100 मटके कैसे बनाएगा। खाना बहुत अच्छा था,
हाँ हाँ बहुत अच्छा था। हरी के हाथ में तो जादू है। चावल मछली की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट था। हरी भी बहुत साफ दिल का है। अरे अरे ये क्या हुआ, मेरे सारे मटके कैसे टूट गए? अब मैं क्या करूं? इतने कम समय में कैसे फिर से 100 मटके तैयार करूंगा मैं? मेरा इतना नुकसान किसने किया? अब मैं महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या बोलूंगा मैं उसे? गोरी अरे ओ गोरी, और कितनी देर तक दरवाजे खटखटाऊं? बेटी अरे ओ गोरी बेटी। अरे माँ आप बेटी के घर घूमने आई हो? क्यों रे, इतनी देर तक सो रही थी क्या? इसीलिए कालू को कोई काम नहीं मिलता, सोते ही रहते हो। नहीं नहीं माँ, आपके दमान जी कल पूरी रात जाकर बहुत काम कर रहे थे। अंदर आओ माँ, अंदर आओ, सब बताती हूँ। पूरी रात जाकर आखिर कालू कौन सा काम कर रहा था? ओ पूरी बात बताओ, आखिर जाकर क्या कर रहे थे दमान जी? घड़ी बना रहे थे, आज रात को ही 100 घड़ी बनानी पड़ी। अरे वाह, इसका मतलब बहुत पैसा वाला काम मिला है। नहीं नहीं माँ, कालू को कोई काम नहीं मिला है। तो फिर राजा जी से ये काम तो टूना को मिला था। कल रात जब वो हरी तोते के यहाँ गए थे तो कालू ने टूना के सब मटके तोड़ दिए, समझी माँ? और पता है क्या हुआ? बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया, पर वो घड़े क्यों बना रहा है? आप समझी नहीं, मटके टूटने के बाद टूना हिम्मत हार चुका है। अब कुछ दिनों वो कहाँ मटके बना पाएगा, इसीलिए तो कालू दिन रात करके काम कर रहे हैं। जब राजा जी टूना से मटके नहीं ले पाएंगे और टूना की बेइज्जती करेंगे तब कालू अपने मटके उन्हें भेज देंगे और राजा जी गुस्से से टूना को जंगल से बाहर निकाल देंगे। वाह वाह, ये हुई ना बात, बहुत अच्छे। सर पर हाथ रखकर बैठने से क्या होगा, फिर से नए मटके बनाने होंगे। चलिए चलिए जल्दी कीजिए। ये क्या कर रही हो, इतने कम दिनों में फिर से 100 मटके कैसे बनाऊं? हाँ हाँ बनाना होगा, अगर मन भी भर गया होगा तो भी बनाना होगा, बनाना ही होगा। पर मिट्टी खरीदने के पैसे कहाँ से लाऊं? ये लीजिए मेरा सोने का लॉकेट, लीजिए इसे बेचकर जो पैसे मिले उसे मिट्टी खरीद कर लाएं और फिर अपना काम शुरू करिए। पर यहाँ नहीं। पर यहाँ क्यों नहीं? जिसने तुम्हारे सारे मटके तोड़ दिए वो फिर से तुम्हारे मटके तोड़ सकता है। क्या, किसने? वही तुम्हारा घमंडी भाई कालू। क्या कालू? हाँ हाँ, इसीलिए कह रही हूँ जल्दी से मिट्टी लाए और कहीं जाकर गुप्त रूप से मटके बनाए, जल्दी जाइए। कुछ दिनों बाद राजा जी टूना के घर आता है। टूना, अरे ओ टूना, वो घर पर नहीं है राजा जी। लेकिन उसने आज 100 मटके देने का वादा किया था। पर वो मटके कैसे देगा राजा जी, उसने तो अभी तक एक भी मटका नहीं बनाया। आपसे पैसे लेकर बस यूँ यहाँ वहाँ घूम रहा है। क्या कहा, अब मेरी माँ मटकों का दान कैसे करेगी? वो टूना है ही ऐसा। वो अभी मुझे जानता नहीं है, मैं उसे जंगल से निकाल दूंगा। यही तो मैं चाहता हूँ राजा जी। मैं ये कह रहा था कि मेरे पास 100 मटके है, अगर आप कहें तो मैं ले आऊँ। तुम्हारे पास है? बच गया, जा जा जल्दी जा ले आ, मैं तुझे बहुत पैसे दूंगा। तभी टूना वहाँ मटके लेकर आ जाता है। ये क्या, टूना तो आ गया। अरे राजा जी, राजा जी ये लीजिए आपके पूरे 100 मटके। है? पर मैंने सुना है तुमने कुछ भी काम नहीं किया है। नहीं राजा जी, मेरे पहले बनाए मटके तो ये कालू ने तोड़ डाले, इसीलिए मैं दूर जाकर फिर से मटका बना कर ले आया। क्या, मैंने तोड़े हैं? तो तुम्हारे पास इसका सबूत है? सबूत मैं हूँ सबूत। मैंने अपने कानों से तुम्हारी पत्नी और सास की बातें सुनी है और अगर तुमने नहीं तोड़ा तो राजा जी से बिना पैसे लिए तुमने 100 मटके क्यों बनाए? बोलो बोलो क्यों बनाए? बिल्कुल सही बात है कालू, बता किसने तोड़े है? अगर सच नहीं बोला तो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। बताओगे या अपने सैनिकों को बुलाओ?
नहीं राजा जी, अपने सैनिकों को मत बुलाए, मैं स्वीकार करता हूँ। इस टूना को सबक सिखाने के लिए मैंने ये काम किया था। शैतान कौआ तो इतना बुरा है। ठीक है, तू लेकर आपने सारे मटके, अब तू अपने हाथों से अपने सारे घड़े तोड़ेगा। जा जाकर लेकर आ। मैं मर जाऊंगा राजा जी, मैं बिल्कुल मर जाऊंगा। तुझे कोई माफी नहीं मिलेगी और यही है तेरी शैतानी की सजा। नहीं नहीं राजा जी, मुझे माफ कर दो। वाव, ये कितना खूबसूरत है, काश मैं इन्हें अपने ड्रेस पर लगा पाती। तभी अचानक वो पेड़ बोलने लगता है। बिल्कुल लगा सकती हो। ये कौन बोला? ये रामपुर का जंगल था। जंगल बहुत ही खुशहाल था, सभी पक्षी बहुत अच्छे थे और अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। जंगल के चौराहे के पास चिड़ियों के बच्चे खेला करते थे। जंगल में हर साल एक उत्सव होता था, जिस उत्सव में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती थी और आज इस प्रतियोगिता का ऐलान होने वाला था। सुनो, इस साल जंगल के वार्षिक उत्सव में एक नई प्रतियोगिता शामिल की गई है, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता। जो जीतेगा उसे चीफ गेस्ट के हाथों पुरस्कार मिलेगा और तो और इनाम में 10 बोरी अनाज 2 बोरी दाल भी है, इसलिए इस प्रतियोगिता में भाग जरूर लीजिए। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, वो क्या होती है? इतना भी नहीं पता क्या बुद्धू? ये वो प्रतियोगिता है जिसमें हमें अलग अलग भेष धारण करना होता है। मैं तो राजकुमारी का भेष धारण करूँगी। हाँ मैं भी, और तुम टोनी? उससे क्या पूछ रही हो, उसके पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं है, वो क्या प्रतियोगिता में भाग लेगी? हाँ, टूनी बहुत गरीब चिड़िया थी, उसके पास ठीक से कपड़े भी नहीं थे। तभी टूनी इनाम के बारे में सोचती है। अगर मैं प्रतियोगिता जीत गई तो हमारे घर में कई महीनों का अनाज आ जाएगा, लेकिन मेरे पास तो कोई अच्छा कपड़ा भी नहीं है, माँ से पूछती हूँ। टूनी उड़ते हुए घर गई। उसकी माँ एक विधवा थी, उसको सिलाई का काम आता था, इसीलिए वो दर्जी का काम करके अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। माँ, मुझे फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। अब ये क्या टूनी, तू तो हमारी स्थिति जानती है ना बेटी? हाँ माँ, पर इनाम 10 बोरी अनाज और 2 बोरी दाल है। यही सुनकर मैंने सोचा कि अगर मैं जीत गई तो कई महीनों का अनाज हमारे पास होगा, और तो और आपको तो कपड़े भी सिलने आते हैं। कपड़े सिलने आते तो है बेटा, पर सिलने के लिए हमारे पास कपड़े कहाँ है? मेरे पास तो बस सफेद साड़ियाँ है, अगर उससे तुम्हारे लिए कुछ सिलना हो तो बता दे। टूनी सोचने लगी कि सफेद साड़ियों का वो क्या फैंसी ड्रेस बनवा सकती है। तभी उसे एक आइडिया आता है। माँ, मैं परी बन सकती हूँ, परियाँ तो सफेद ड्रेस ही पहनती है ना? हाँ, पर परियों के ड्रेस पर बहुत सारी सजावट की होती है, जैसे मोती, फूल, चमकीली, वो सब कहाँ से लाओगी बेटी? आप ड्रेस बनाना शुरू तो कीजिए, मैं कुछ न कुछ ढूंढ लूंगी। अगले दिन टूनी घूमते घूमते जंगल चली गई। वह अक्सर जंगल जाया करती थी, उसे तितलियों का पीछा करना और उनके साथ खेलना बहुत पसंद था, और यूं ही वो जंगल के अलग भाग में पहुंच गई। ये कौन सी जगह है, मैं पहले तो यहाँ कभी नहीं आई। उस जगह पर बहुत सारे रंग बिरंगे फूल थे और बीच में एक बड़ा सा पेड़ भी था। वाव, ये कितना खूबसूरत है, काश मैं इन्हें अपने ड्रेस पर लगा पाती। तभी अचानक वो पेड़ बोलने लगता है। बिल्कुल लगा सकती हो। ये कौन बोला? अरे यहाँ मैं। टूनी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं था, वो पेड़ बोल रहा था और उसकी आंखें भी थी। ये कैसे हो सकता है?
हो सकता है क्योंकि तुम जादुई जंगल में हो। टोनी, मैं जानता हूँ कि तुम फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में परी बनकर और इनाम जीतकर अपनी माँ की मदद करना चाहती हो। तुम बोल सकते हो, मतलब तुम आम पेड़ नहीं हो, जादुई पेड़ हो। तो क्या तुम अपने जादू से परी का ड्रेस दे सकते हो? ना ना ना, मैं कोई परी माँ थोड़ी हूँ जो जादू कर सकूं, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो कैसे? तुम्हें जो फूल पसंद है वो तोड़ लो और फिर उन्हें अपनी ड्रेस पर सिलवा लेना। पर फूल तो मुरझा जाएंगे ना? अरे ये जादुई फूल है, कभी नहीं मुरझाएंगे। अरे वाह, टूनी ने तुरंत रंग बिरंगे फूल तोड़ लिए। शुक्रिया बोलने वाले जादुई पेड़। मुझे खुशी है मैं तुम्हारी मदद कर सका। ऑल द बेस्ट। टूनी सारे फूल लेकर अपने घर चली गई। देखो टूनी, तुम्हारा ड्रेस तैयार है। माँ, मैं सजावट के लिए फूल भी ले आई। फूलों से सजावट? ये तो मुरझा जाएंगे। नहीं माँ, ये जादुई फूल है, इन्हें कुछ नहीं होगा। टूनी ने एक फूल सफेद ड्रेस पर रखा और वो फूल उस सफेद ड्रेस पर चिपक गया। इसी तरह से बाकी फूल भी ड्रेस पर चिपक गए। रंग बिरंगे फूल से वो ड्रेस बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। माँ, परी की छड़ियाँ और पर कहाँ है? टूनी की माँ ने अलमारी खोली और वहाँ से उसने पर और छड़ी निकाली जो उसने पहले से ही बना कर रखी थी। शाम को जंगल के मैदान में स्टेज लगा था। जंगल के सारे चिड़िया अलग अलग वेशभूषा में थे। कोई राजकुमारी, कोई जादूगर, कोई पंडित, तो कोई डॉक्टर, तो कोई डाकू। गोरी और कीको झगड़ा कर रहे थे, तभी टूनी अपना सुंदर सा ड्रेस पहनकर वहाँ पहुँची। उसे देखकर सभी हैरान रह गए। प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी प्रतियोगी स्टेज पर आकर चलने लगे और जंगल का राजा उन्हें नंबर देने लगे। गोरी ने टूनी को धक्का मारकर स्टेज से गिराना चाहा। टूनी गिरने ही वाली थी कि अचानक वो हवा में अटक गई और सबके सामने असली परी आ गई। परी ने अपने जादू से टूनी को हवा में उड़ाया। तुम अच्छी हो टूनी, और अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। टूनी को सही सलामत नीचे लाकर परी ने उस पर जादू की छड़ी घुमाई, जिससे टूनी के ड्रेस पर लगे सारे फूल चमकने लगे। दर्शक भी ये देखकर हैरान थे। टूनी के ड्रेस से रोशनी दूर दूर तक चमक रही थी। अब मैं चलती हूँ। परी जादू कर चली गई और फिर जंगल के राजा ने टूनी को फर्स्ट प्राइज दिया और साथ ही साथ सारा इनाम भी। टूनी गरीब होते हुए भी फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता जीत गई और साथ ही उसने अपनी माँ की मदद भी की।